देखिए आज हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सेशन के अंदर हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम कॉन्ट्रा के बारे में सीखेंगे। सर कॉन्ट्रा क्या होती है, किस लिए यूज़ की जाती है, आज हम इस सेशन में सीखेंगे। सबसे पहले हमें ये सीखना है कि सर स्पेशल पर्पज़ बुक क्या होती है और इसके अंदर एक स्पेशली टॉपिक का नाम है कैश बुक। मतलब हम इस चैप्टर में अपने कैश और बैंक बुक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सर क्या होती है कैश बुक? कैश बुक इज़ अ स्पेशल पर्पज़ सब्सिडरी बुक और जर्नल इन विच कैश रिसीव्ड एंड कैश पेमेंट आर रिकॉर्डेड। कैश बुक हमारे लिए एक सब्सिडरी बुक की तरह काम करती है जिसमें कैश का आना और कैश का जाना रिकॉर्ड किया जाता है। जब आप कैश बुक में काम करोगे तो आपको याद होगा मैंने आपको एक अकाउंटिंग प्रोसेस बताया था। सबसे पहले आपकी होती है जर्नल, जर्नल के बाद आती है आपकी सब्सिडरी बुक जिसे हम सहयोगी बुक कहते हैं। क्या कहते हैं हम जिसे? सहयोगी बुक कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? सहयोगी बुक। जिसमें आपकी परचेज बुक आती है, जिसमें आपकी परचेज रिटर्न बुक आती है, सेल बुक आती है, इसमें कई तरह की बुक आती है, लेकिन इसके अंदर जो टॉप क्लास बुक होती है वो होती है कैश बुक। क्या होती है? कैश बुक। मतलब एक अकाउंटेंट की लाइफ का सबसे पहला काम होता है जर्नल, फिर आपका आता है कैश बुक, उसके बाद ये सारी आपकी सब्सिडरी बुक आती है। अब फिर जनरल प्रॉपर आता है। जनरल प्रॉपर होता क्या हम फ्यूचर में सीखेंगे, फिलहाल आगे चलते हैं। कैश बुक आपकी तीन तरह की होती है। पहली होती है सिंगल कॉलम कैश बुक जिसमें खाली कैश का कॉलम होता है। एक होती है डबल कॉलम कैश बुक जिसमें कैश और डिस्काउंट का होता है। एक होती है आपकी थ्री कॉलम कैश बुक जिसमें कैश कॉलम, बैंक कॉलम और डिस्काउंट कॉलम होता है। और लास्ट होता है पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक का मतलब होता है छोटे मोटे खर्चों के लिए जो बुक बनाई जाती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पैटी कैश बुक बोलते हैं। कैश बुक सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट इस तरीके का होता है जिसके टॉप पर सबसे पहले आपका अकाउंट नाम होता है, फिर डेबिट बैलेंस, फिर क्रेडिट बैलेंस, फिर डेट पर्टिकुलर रुपीस, डेट पर्टिकुलर रुपीस। आप सभी जानते हैं जब कोई असेट्स बढ़ती है या कैश बढ़ता है तो उसका बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, और जब भी कोई असेट्स घटती है तो उसका बैलेंस हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। आप सभी जानते हैं जब इसका कैश का बैलेंस हमेशा बीडी बैलेंस होता है। क्या होता है? बीडी, अगर पॉजिटिव होता है। और अगर कैश का बैलेंस नेगेटिव होगा तो बैलेंस बीडी ही होगा लेकिन वो क्रेडिट साइड में होगा। सपोज़ आपका कैश नेगेटिव चला जाता है तो किस साइड आएगा? बाई साइड, मतलब क्रेडिट साइड आ जाएगा। इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्लियर है? तो ये कैश कॉलम बुक होती है। कौन सी बुक होती है? कैश कॉलम बुक होती है। ठीक है, अटेंशन प्लीज़, कुछ चीज़ें याद रखना। कैश बुक इट सेल्फ इज अ कैश अकाउंट। जो कैश बुक है ना वो एक तरह का कैश अकाउंट है। कैश बुक एक तरह का कैश अकाउंट है। ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हम कौन सी एंट्री लिखेंगे? खाली कैश वाली। क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कभी भी उधार की ट्रांजेक्शन कैश बुक में नहीं लिखते, ओनली कैश ट्रांजेक्शन लिखते हैं। और ये एक तरह का कैश अकाउंट होता है कैश बुक। एक तरह का क्या अकाउंट होता है? कैश बुक। क्लियर है? कुछ क्वेश्चन हैं, आइए हम आपके साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं और फिर हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक शीट आपके सामने ऑन कर देता हूँ क्वेश्चन के लिए, जिसमें आपके सामने पहला हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि हमें एक बुक बनानी है। क्या करनी है? हमें एक कैश बुक बनानी है। क्या बनानी है हमें? कैश बुक मंथ ऑफ दिसंबर की। तो उसके लिए मेरे पास एक बैलेंस शीट है, मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। ये कैश बुक अकाउंट, आप सभी ने जैसा देखा था कि ये सिंगल कॉलम कैश बुक थी। कौन सी कॉलम कैश बुक थी? ये सिंगल कॉलम। सबसे टॉप पर हम क्या लिख देंगे? कैश बुक। ये हमारा डेबिट बैलेंस होता है और ये हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। सबसे पहले हम यहाँ डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, सबसे पहले हम ईयर लिख देते हैं क्योंकि जो इसका ईयर था वो था 2016। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? 2016। यहाँ भी क्या लिख दिया? 2016। सबसे पहले कैश इन हैंड, कैश इन हैंड का मतलब मेरे पास कैश पड़ा हुआ है कितना? 12,000 रुपये। इसे हम क्या बोलते हैं? टू बैलेंस बीडी। कितना? 12,500। इसके बाद हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? कैश रिसीव्ड फ्रॉम भानु। भानु से कितने पैसे रिसीव हो रहे हैं?
4,000 रुपये हमें रिसीव हो रहे हैं। हमने बोला था जब हमारा कैश अकाउंट बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। क्या होता है? डेबिट होता है। तो एक आई थिंक क्वेश्चन हमने गलत सेलेक्ट कर लिया ना, ये हमारा क्वेश्चन ये था। और चलो कोई नहीं, हम यहाँ देख लेते हैं, ठीक है, ये रहा। कोई दिक्कत? क्या गया भानु, कितना? 4,000 रुपये। आ जाइए रेंट पेड। रेंट हमारे लिए क्या होता है? खर्चा होता है। हम किसी को पेमेंट करते हैं तो हमारा कैश क्या होगा? घटेगा। तो उस केस में हमने कितना कर दिया? 2,000। और किस साइड लिख दिया उसे? बाय साइड। इसके बाद हमने परचेज गुड्स खरीदा है किससे? मुरारी से, कैश में। तो हमारा कैश कम हो जाएगा और क्या लिख देंगे हम? बाय परचेज। कितना? 6,000। इसके बाद हमने सोल्ड गुड्स कैश, हमने 9,000 रुपये का माल किसने बेच दिया? कैश में। तो कैश हमें मिल जाएगा तो क्या कर देंगे हम? टू सेल 9,000। तो हमने क्या कर दिया? टू सेल 9,000। कोई डाउट इसके अंदर? आगे बढ़ सकते हैं, आ जाइए। इसके बाद परचेज स्टेशनरी। अगर हम परचेज किसी स्टेशनरी खरीदेंगे तो हमारे पास से क्या जाएगा? कैश जाएगा। तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो गया। तो हमने उसे किस साइड लिख दिया? क्रेडिट साइड। हमने राहुल को पेमेंट करी है कितनी? 2,000 की। तो हमने राहुल कितने क्रेडिट कर दिया? 2,000 रुपये का। फिर हमने किसको सैलरी दी है? 1,000 रुपये की। तो हमने यहाँ सैलरी को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। उसके बाद हमने रेंट पेड करा कितना? 500। तो उसे किस साइड लिख दिया? बाय साइड। उसके बाद हम बैलेंस सीडी कैसे निकालते हैं? हम बैलेंस सीडी कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम दोनों साइडों का बैलेंस टोटल कर लेते हैं। हमने क्या करा? दोनों साइडों का बैलेंस टोटल कर दिया। अब जिस साइड बैलेंस ज़्यादा है उसको उस साइड लाना होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 25,000 में से कितना माइनस कर देंगे? 11,800। तो कितना बैलेंस आ जाएगा? 13,200। तो आप आंसर देख सकते हैं, मेरा आंसर कितना आना चाहिए? 13,200। तो आंसर कितना आ रहा है? 13,200। कोई प्रॉब्लम कैश बुक बनाने में? चलिए आइए एक क्वेश्चन और डिस्कशन कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट आ रहा है आप लोगों को? बीडी और सीडी। देखो बीडी मतलब होता है पुराना बैलेंस, सीडी बैलेंस जो बचा हुआ। मतलब अब कितना बचा बैलेंस? 12,170। और ये अगले साल या अगले महीने क्या बन जाएगा हमारा? बीडी बैलेंस। जैसे क्लोजिंग बैलेंस होता है आपकी पॉकेट में, आज जो पैसे बचे हैं वो क्लोजिंग बैलेंस है, और वही नेक्स्ट डे क्या बन जाते हैं? ओपनिंग बैलेंस। तो रात का बैलेंस आपका बीडी है और नेक्स्ट डे का क्या बन जाएगा? सीडी बैलेंस। ऐसे हर साल होता है, जो 1 अप्रैल को होता है वो बीडी बैलेंस होता है और जो 31 मार्च को बचता है वो सीडी बैलेंस होता है। इसका मतलब वो आगे कैरी डाउन करना है, ठीक है? ब्रॉड डाउन होता है वो, क्या होता है, ठीक है? समझ आ गया इतना? एक क्वेश्चन और डिस्कशन कर लें। हमें ये एंट्री बनानी है नवंबर मंथ की। हम टॉप पर क्या लिखेंगे? कैश बुक, या डेबिट, या क्रेडिट, फिर डेट, डेट, ईयर, ईयर फाइनेंशियली डेट। यहाँ बैलेंस कितना बता रहा है? 12,500। कितना? 12,500। तो हमने कितना लिख दिया? 12,500। 12,500 बैलेंस बीडी। टू अमित, कैश पेड टू हरी। तो क्या कर दिया? बाय हरी। कितना? 600, ठीक है। परचेज गुड्स कितना? 800। तो कितना लिख दिया? 800। कैश रिसीव from अमित, तो किस में आ गया? टू अमित, क्लियर। उसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर कैश 800, तो कितना लिख दिया मैंने यहाँ? 800। उसके बाद लिखा पेड टू मनीष, तो यहाँ पेड टू मनीष। पेड कार्टेज टू पेड कार्टेज। पेड सैलरी टू पेड सैलरी। कोई डाउट आ गया समझ में? तो हमने इसे क्या कर लिया? ये कर। कोई डाउट इसके अंदर? तो ये आपकी सिंगल कैश बुक थी और बहुत इजी है। कोई डाउट? इसके जैसे ही नीचे आओगे तो आपको एक कैश बुक और बनानी है जिसके अंदर बोला है कि आपको डबल कॉलम कैश बुक बनानी। डबल कॉलम कैशबुक होती क्या है, मैं आपको रियल बताऊं तो डबल कॉलम कैशबुक में कुछ ज़्यादा नहीं होता। इसमें होता क्या है, एक आपका एक नया कॉलम ऐड हो जाता है जो किसका आता है? डिस्काउंट का। क्या आ जाता है? डिस्काउंट। किसी को आपको 12,000 का माल बेचना था, 12,000 का माल बेचा जिसकी कॉस्ट थी 11,000, ठीक है? तो आपका 12,000 का माल बिक गया, आप 12,000 बिक दोगे, आपने उस पर 500 रुपये डिस्काउंट दे दिया,
आप यहाँ मेंशन कर दोगे, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एबीसी कंपनी एंड 10% डिस्काउंट, कितने का? 4 लिख दो, 4 रुपीस 12,000, ठीक है। 12,000 का बेचा, उस पर 10%, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1,200 रुपये, और ये कितना आ जाएगा आपका? 10,800। कोई डाउट उसके अंदर? ऐसी आपके पास और बुक है जिसका नाम है 3 कॉलम कैश बुक, कुछ ज्यादा नहीं है, डिस्काउंट कैश बैंक डेट पर्टिकुलर डिस्काउंट कैश बैंक। अब तक हम कैश को आना और जाना रिकॉर्ड कर रहे थे, अब 3rd कॉलम में हम क्या करेंगे? बैंक से पैसा आना और बैंक से पैसा जाना भी क्या करेंगे हम लोग? रिकॉर्ड करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं आप लोगों के साथ डबल अकाउंटिंग का और फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ठीक है। यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 4 लिख देते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ईयर 2016, फिर हमारे पास क्या है? दिसंबर 1st, क्लियर, ठीक है। यहां पर कह रहा है बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, क्या कर रहा है? बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। अब कौन स्टार्ट कर रहा है? यहाँ नाम गिवन नहीं है, ठीक है। जिस जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसका नाम लिखते। अब यहाँ बैलेंस बीडी मत लिख देना, बैलेंस बीडी कब आता है? जब पुराना बैलेंस होता है। अभी वो आज बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। अब क्या होता है, जो पैसा यहाँ देता है उसका नाम डाल। सपोज गौरव पैसा दे रहे हो तो हम किसका नाम डाल देंगे? गौरव टू गौरव। कितना पैसा लगा रहा है वो कंपनी में कैश में? 80,000 रुपये। यहाँ कितना लिख देंगे? 80,000 रुपये, क्लियर है विष्णु? उसके साथ साथ वो इतना समझ आ गया, कोई डाउट? इसके बाद उसने क्या करा, इस 80,000 में 50,000 रुपये कहाँ डिपॉजिट कर दिए? बैंक में। आप सभी जानते हैं अगर मैं बैंक में डिपॉजिट करूँगा तो मेरा कैश कम हो जाएगा और बैंक बढ़ जाएगा, तो मैं एंट्री क्या पास करूँगा? टू बैंक। कितना? 50। तो कौन से कॉलम में लिख दूंगा? 50। टू कैश आ जाएगा, ठीक है, 50। अब बाय में क्या लिख दूंगा? बाय बैंक। पैसा किससे जा रहा है? समझ आया? और इसके आगे हम लिख देंगे क्या? कॉन्ट्रा, सी बना देंगे। किस लिए? कॉन्ट्रा के लिए। समझ में आया? यहां हमने टू कैश क्यों लिखा? क्योंकि जब हम बैंक बुक बना रहे तो हम बैंक में बैंक का नाम नहीं लिखते। जो बैंक में पैसा आया वो किसके जरिए आया है? कैश के। और जो कैश से पैसा गया है वो किसके रूप में गया है? बैंक के जरिए। और ये दोनों हमारी कौन सी एंट्री है? कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि इसमें कैश और बैंक आता है। कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्री होती है जिसमें कैश आता और कैश जाता वो रिकॉर्ड किया जाता है, क्लियर हो गया। इसके बाद रिसीव कैश फ्रॉम राहुल, तो हम किस साइड लिख देंगे? टू साइड। और क्या नाम लिख देंगे? राहुल। कितना? 1,000। बोट गुड्स फॉर कैश, कितना? 8,000। ये हमारे लिए क्या है? परचेज, तो क्या लिख देंगे हम? परचेज बाय परचेज, कितना? 8,000। तो तक की कोई डाउट आ रहे हैं? आ जाइए। बोट गुड्स बाय चेक, तो अभी इसने आगे कुछ क्वेश्चन में बोला नहीं है कि हमने चेक दिया बट वो क्लियर हुआ या नहीं, तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि चेक सेम डेट क्लियर हो गया। लेकिन फ्यूचर में होगा क्या, जब आप आगे चलेंगे थोड़ा तो क्वेश्चन इस तरीके से मिलेगा, चेक रिसीव ऑन दिसंबर 6, 2016 डिपॉजिटेड इंटू बैंक, तो इसका मतलब वो सेम डेट में क्या हो गया? डिपॉजिट हो गया। बट यहां पर एक क्वेश्चन और है,
सेल गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रोहन एंड रिसीव चेक। हम इसकी एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि हमें चेक मिला, हमें चेक मिला, हमने इसे डिपॉजिट कब करा? 20 को डिपॉजिट कर, तो हम एंट्री कौन सी वाली करेंगे? 20 वाली। चेक जब आपको मिलता है उसकी एंट्री नहीं होती, जब वो एक्चुअली में डिपॉजिट होता है उसकी एंट्री होती है। अब तुम्हारे पास बैंक में पैसा आ गया, तुमने गले में चेक डाल दिया, वो तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक तुम बैंक में डालोगे, तो अकाउंटिंग उसकी नहीं होगी कैश बुक में, ठीक है? तो याद रखना जब कुछ ऐसे क्वेश्चन मिले ना कि चेक आपको सेम डेट मिल रहा है और वो डिपॉजिट 20 दिन बाद हो रहा है, तो आप 20 दिन वाले डेट डालोगे, ये डेट एंट्री नहीं करोगे। हाँ, अगर ये क्वेश्चन में कुछ और नहीं बोला हुआ तो ये अज्यूम कर लेते कि वो सेम डेट में हो जाएगा। अब आगे चल के देखोगे एक क्वेश्चन ऐसा है पेड बाय चेक, इसका मतलब मान लेंगे वो उसी दिन वो क्लियर हो गया, ठीक है? ये चीज़ याद रखना बस। इसमें क्या है, इसमें कुछ और नहीं तो हम क्या अज्यूम कर लेंगे कि उसने चेक कर लिया। अब यहाँ क्या लिख देंगे, परचेज कितना 10,000 और किससे? बैंक। कौन से कॉलम में लिख देंगे? बैंक। इसके बाद पेड टू श्याम, कितना 2,000 रुपए, तो यहां लिख सकते हैं ऑफिस यूज कितना 2,000 रुपए बैंक से, तो बैंक। उसके बाद रेंट पेड बाय चेक, तो यहां क्या लिख देंगे, रेंट कितना 1,000। काम खत्म हो गया। अब तीनों का टोटल हमें करना है, तो हम एक लाइन खींच लेते हैं ऐसी, ठीक है? इनकी भी एक लाइन खींच लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसका टोटल तो जीरो आएगा, इसका टोटल कर लेते हैं सम, कंट्रोल आर, यहाँ भी कंट्रोल आर, ठीक है? ये सम आ गया। यहाँ में सम कितना करना है, 81। इसमें कितना डिफरेंस है, 81 माइनस 78, एक गलती शायद, ये 2,000 होगा, ऐसे ही था वो 2,000 था ना, 20,000 लिख दिया जो मैंने, ठीक है? 18,000 रुपये गलती आ रही है, कहीं गलती कर दी फिर हमने। अरे तो कैश अकाउंट में फर्क आ रहा है ना, देखें एक बार दोबारा क्वेश्चन। 8,000 1,000 कैश राहुल को दिए, ये राहुल में बढ़ गया कैश, हमारे पास कैश आए थे, ये चला गया 81, कैश आया 81, कैश कितना गया 8,000 और 50 58 और 20 78। सही, क्वेश्चन में आंसर गलत है। ये देखो कैश कितना है 5,000। आप देखो खुद ही आइडिया लगाओ, 50,000 हमारे पास आया, 30 हमने दे दिया, 80 आया 50 दे दिया, कितना बचेगा 30 बचा। फिर हमें राहुल ने कितना कैश दिया 1,000, कितना बचा 31, हमने कितना उसमें से दे दिया 8, कितना बचा 23 बचा, 23 में से कैश कितना चला गया हमारे पास से, कितना बचेगा, तो कितना लिखा हुआ आंसर, ठीक है? तो हमारा क्वेश्चन ठीक है, हम यहाँ क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस
बी और डी, ठीक है। और यहाँ बैलेंस 50,000 माइनस 13,000, तो आंसर कितना आ रहा है 37,000, ठीक है। ये मैच है वो प्रिंटिंग एरर है। कोई डाउट इसके अंदर? कैशबुक आपको समझ में आ गई सभी को? तो बस हमें ये चीज़ याद रखनी है।